इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोनाल्ड टोक्की की एक प्रॉब्लम है 4.17। तो ये सामने जो फिगर है इसमें जो कंडीशंस हैं, पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ। तो फिगर जो भी आपके सामने है, शो फोर स्विचेस दैट आर पार्ट ऑफ ए कंट्रोल सर्किटरी इन ए कॉपी मशीन। ठीक है, ये जो चार स्विच हैं यहाँ पर, SW12, SW4, ये किसी कॉपी मशीन जो जीरोक्स मशीन होती है उसके पार्ट हैं। द स्विचेज आर एट वेरियस पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ ए कॉपी पेपर एज द पेपर पासिस थ्रू द मशीन। तो जैसे ही पेपर मशीन नीचे से ट्रे से लेके और ऊपर तक जो आता है पेपर, तो उसके बीच में ये सारे स्विचेज हैं, है ना। स्विचेज नॉर्मली ओपन, अगर पेपर नहीं है तो सारे स्विचेज जो हैं नॉर्मली ओपन हैं, जैसे ये यहाँ पर सामने दिख रहे हैं। एंड एज द पेपर पासिस ओवर ए स्विच द स्विच क्लोज। तो जो भी इसके पाथ में है, जो पेपर के पाथ में जितने भी स्विचेज हैं, अगर वो पास होता है तो स्विच जो है क्लोज होते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर स्विचेज SW1 एंड SW4 टू बी क्लोज एट द सेम टाइम। SW1 और SW4 एक साथ कभी भी क्लोज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है मतलब हार्डवेयर की, ये कभी होंगे ही नहीं। डिज़ाइन द लॉजिक सर्किट टू प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट वेन एवर टू और मोर स्विचेज आर क्लोज एट द सेम टाइम। तो हाई आउटपुट देना है एक्स पे, जो लॉजिक सर्किटरी का जो इसमें एक्स है उस पर हाई आउटपुट देना है, और वो देना है तब जब टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा अगर स्विचेस क्लोज होते हैं, सही है, एक समय पे। यूज़ के मैपिंग एंड टेक एडवांटेज ऑफ डोंट केयर कंडीशन। तो जो SW1 और SW4 जो साइमल्टेनियस जो एक ही टाइम एट ए टाइम जो दोनों क्लोज हो रहे हैं उसको हम डोंट केयर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो क्लियरली हम मेंशन कर दिया है कि SW1 और SW4 जो है ये साइमल्टेनियसली या एट ए टाइम ये दोनों क्लोज नहीं होंगे कभी भी। तो अगर ये क्लोज होंगे, क्योंकि जब हम चार वेरिएबल का बनाएंगे तो उसमें एक ये कॉम्बिनेशन आएगा, तो उसमें उसको हमें एज ए डोंट केयर लेके चलना है। ठीक है, तो उसके जीरो और वन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी पहले बना लेते हैं सर्किट के लिए एक फंक्शन टेबल बना लेते हैं। तो SW1, SW2, SW3, SW4, और जो स्विच एक्स है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो कंडीशन मेंशन करते हैं 0 0 0 0, नॉर्मली ओपन है तो 0, 0 0 0 1, तो SW4 ही क्लोज हुआ है, सही है। तो हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर है एक्स इज हाई वेन एवर टू और मोर स्विचेज आर क्लोज, दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्विच क्लोज हुआ। अच्छा, जीरो का मतलब है ओपन, सही है, स्विच ओपन है, और वन का मतलब है स्विच क्लोज। ठीक है, तो जब स्विच क्लोज होगा तो इस तरह का होगा। ठीक है, नॉर्मली ये ओपन है। ठीक, तो इस पे जीरो है, फिर उसके बाद 0 0 1 0, इस पे भी जीरो, एक ही स्विच जो है वो क्लोज हुआ है, बाकी सारे ओपन है। 0 0 1 1, दो स्विच क्लोज हुए तो यहाँ पर आएगा वन। ऐसे ही फिर 0 1 0 0, एक ही स्विचेस है, 0 0 1 0 1, दो स्विचेस हो गए तो वन आएगा। 0 1 1 0 1, आउटपुट वन आएगा, दो स्विच क्लोज हुए हैं। फिर 0 1 1 1, तो दो से ज़्यादा हो गए तब भी वन आएगा। फिर 1 0 0 0, एक ही स्विच क्लोज हुआ है, 0 1 0 0 1। अब SW1 और SW4, SW1 और SW4 विल नेवर बी क्लोज एट द सेम टाइम, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लोज। तो यहाँ पर इसका आउटपुट ना लो रहने वाला है ना हाई रहने वाला है, तो ये क्या रहेगा, डोंट केयर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं मशीन के लिए, सही है। ये और ये इस मशीन में कभी भी एक साथ क्लोज नहीं हो सकते, पर जब हम सर्किट बना रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन आएगा, तो उस कॉम्बिनेशन का आएगा तो उसको डोंट केयर ले लो। ठीक है, तो जहां पर भी SW1 SW4 दोनों क्लोज हैं, ठीक है, और SW2 या SW3 भी साथ में क्लोज हैं, पर ये दोनों हैं तो उस पर भी सब पे डोंट केयर लेना है। तो देखते हैं कैसे करता है। 1 0 1 0 वन आएगा, 1 0 1 1, SW1 और SW4 दोनों क्लोज हैं, ठीक है, और ये SW3 भी, ये भी क्लोज है। ठीक है, तो इस पे भी आपको डोंट केयर लेना है। ठीक है, तो 1 0 सॉरी 1 1
जीरो जीरो वन आएगा, वन वन जीरो वन, फिर डोंट केयर, वन 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 जीरो, फिर वन, और वन 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 पे डोंट केयर। ठीक है, तो एस डब्ल्यू वन और एस डब्ल्यू फोर वाले जितने भी हैं उन सब पे डोंट केयर लेना है अगर दोनों वो क्लोज हैं। ठीक है, तो सब पे हमने डोंट केयर ले लिया, तो हमारे अब यहाँ पर चार डोंट केयर आए। ठीक है, अच्छा ये शायद आ नहीं रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो एच डब्ल्यू वन, एच डब्ल्यू टू, एच डब्ल्यू थ्री, एच डब्ल्यू फोर, और ये एक्स। तो लास्ट वाली कंडीशन है, वन 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 जीरो तक तो आ गया है रिकॉर्डिंग में, ये नहीं आया है, वन 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 वन। तो वन 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 है, एच डब्ल्यू वन और एच डब्ल्यू फोर इस कंडीशन को देख रहे हैं, दोनों ये क्लोज्ड हैं। सही है, तो दोनों क्लोज्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है, डोंट केयर। ठीक है, ये एक्स है बेसिकली, ये एक्स है, ये डोंट केयर नहीं है ना, ये एक्स है, और ये जो कट है ये सब डोंट केयर है। ठीक है, बस के मैप बनाना है, और जो है डोंट केयर इनको इसमें फिल कर देना है। ठीक है, तो के मैप बनाते हैं। तो के मैप में आपका चार वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 4 ब्लॉक बनेंगे। यहाँ पर आपका एस डब्ल्यू वन, एस डब्ल्यू टू, यहाँ पर आपका एस डब्ल्यू थ्री, यहाँ पर एस डब्ल्यू फोर, तो चार वेरिएबल आ गए। एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर भी ले सकते हो अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देना अपना, आप इसको नाम दे सकते हैं। तो 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, तो एक्स वन किस किस पे है यहाँ पर, इसको बाइनरी का इसको डेसिमल में इक्विवेलेंट कर लेते हैं। 0 1 2 3, 3 पे है, 4 5, सही है, तो 3 पे है, यहाँ पर इसको पहले मेंशन कर लेता हूँ, 0 1 2 3, 0 1 0 0, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारे पास है 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 3 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1, 7 पे 1, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है। ठीक है, उसके बाद ये 7 हो गया, 8 0 है, 9 पे डोंट केयर, तो यहाँ पर 9 है, ये डोंट केयर है। फिर 10 है, 10 पे फिर 1 है, 11 पे फिर डोंट केयर है, 12 पे 1 है, 13 पे डोंट केयर, 14 पे 1, और 15 पे डोंट केयर, ये हमारा बना। ठीक है, अब इसमें पेयरिंग वाला, तो सारे इसमें लगभग क्वाड ही बनेंगे। ठीक है, तो डोंट केयर की हेल्प ले सकते हैं, डोंट केयर को, तो पहले तो इसको बना लेते हैं। एक तो हो गया ये हमारा, ठीक है, एक क्वाड ये बन गया, एक क्वाड बनेगा ये। ठीक है, अब हमारे ये वन बचा हुआ है, और ये वन बचा हुआ है जो इसकी पेयरिंग में नहीं आया है। ठीक है, तो पेयर बनाना वेरिएबल ही बढ़ाएंगे, तो हमें क्या करना है, इन सबको क्वाड में ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पेयर बनाने से तो वेरिएबल ही बढ़ेंगे, तो वेरिएबल जितना बड़े से बड़ा ग्रुप बन जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये बनेगा, तो 1 2 3 क्वाड हो गए, अभी ये 2 1 1 बचे हुए हैं। ठीक है, फिर एक हो गया हमारा, ये बन गया इस वन के लिए, और एक इस वन के लिए। ठीक है, एक इस वन के लिए, तो कितने बने, 3 पेयर तो रेड में है और 2 ब्लैक में है, तो 5 पेयर बने हैं, यानी 5 क्वाड बने हैं, है ना। अब इसकी एक्स की एक्स में लिख लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू जो आएगा, तो पहले जो ब्लैक वाले हैं इसको देख लेते हैं, तो एस डब्ल्यू थ्री, एस डब्ल्यू फोर प्लस, अब इस पे आते हैं, एस डब्ल्यू वन, एस डब्ल्यू टू प्लस, अब इस क्वाड की बात करते हैं,
ये वाला इस वन के लिए जो बनाया था, तो इसमें है हमारे पास एस डब्ल्यू फोर और इन दोनों से मिला एस डब्ल्यू टू, तो एस डब्ल्यू टू एस डब्ल्यू फोर फिर प्लस। अब इस वन का जो है क्वाड इसकी बात करते हैं, तो इसमें है एस डब्ल्यू थ्री और यहाँ पर है एस डब्ल्यू टू एस डब्ल्यू टू एस डब्ल्यू थ्री। अब इस वाले क्वाड की बात करते हैं प्लस, इन दोनों क्वाड में है हमारे पास एस डब्ल्यू वन और इधर है एस डब्ल्यू थ्री, एस डब्ल्यू वन एस डब्ल्यू थ्री। ठीक है, कई बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कई बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। तो ये हमारा जो है ये सर्किट बनेगा, मतलब ये जो लॉजिक सर्किट है इसको हमें लॉजिक गेट से इसको डिज़ाइन कर लेंगे और ये हमारा सर्किट रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहीं रोकते हैं।